ये रिंग तक करना है भी अपने को नीचे वाली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो स्पेशली ड्यूक 390 लवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे ड्यूक 390 खड़ी है, बट दिस इज BS4 वेरिएंट। BS6 पर भी आपके लिए माइलेज टेस्ट लेकर आऊँगा, बट आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर फोकस करती है ना, जिन लोगों का 390 नहीं लेने का बजट नहीं है, प्री ओन्ड के लिए जाते हैं। तो प्री ओन्ड बाइक में आपको कितना माइलेज मिलने वाला है, या फिर देखो BS4 या BS6 में मेरे ख्याल से इतना माइलेज का डिफरेंस नहीं है। तो आज हम इसका टैंक टू माइलेज टेस्ट करने वाले 80-90 की स्पीड पर। सबसे पहले मैं आपको बाइक का लुक दिखा देता हूं। देख सकते हो आप, टॉप कंडीशन बाइक है, जेन्युइन, मतलब इसकी सर्विसेज भी सारी शोरूम में ही कराई गई है। सो आपको राइड में भी बहुत ही मजा आने वाला है। अपने वैभव भाई ने बाइक परचेस करी है, सो निकलते हैं अब। सबसे पहले यार आपको इसका एग्जॉस्ट थम सुना देता हूं मैं। सो अभी वैसे भी गाड़ी लो फ्यूल है, तो सबसे पहले तो फ्यूल स्टेशन के लिए निकलते हैं। क्या पावर है यार, मतलब ज़रा सा थ्रॉटल दो, वैसे भी ये ज़्यादा लंबा थ्रॉटल है नहीं इसका, और ज़रा से मैं क्या पावर देती है। ₹8,000 पे तो विद इन सेकेंड्स चली जाती है टॉप एंड पे। एंड ये सिक्स गियर लग चुका है 80-90 पे, एकदम रिफाइंड है गाड़ी। ये तो BS4 है, तो 140-150 भी कब चली जाएगी हमें खुद को पता नहीं लगेगा। आज हम HP के पेट्रोल पंप से फुल टैंक कराएंगे। हर माइलेज टेस्ट में, मतलब मैंने जितने भी माइलेज टेस्ट बनाए, मैं रिलायंस आपको रिकमेंड करता हूँ, बट यार रिलायंस का भी ₹8 पर लीटर महंगी चल रही है कॉस्टिंग। सो HP का भी अच्छा है, इंडियन ऑयल भी बेस्ट है, HP पर ही चलते हैं। बाइक का लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। कराते हैं अब फुल टैंक यहाँ से चल के आगे। ये रिंग तक करना है भी अपने को नीचे वाली। बस नहीं आया, जान दो। 1199 का यहाँ पर फुल टैंक करा लिया है एग्जैक्ट, और इसको वैल्यू भी पता थी कितने में रिंग तक आएगा। इसको पकड़ना, मैं आपको ये फोटो क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, कि हम आते से ये रिंग तक ही एग्जैक्ट उतना ही फिल कराएंगे। एग्जैक्ट रिंग तक इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हम कर लेते हैं इसकी ट्रिप सेट। ओडोमीटर पर आपको आ रहा है 20,952, आप ये चीज़ ध्यान रख लेना। ट्रिप 1 यहाँ पर 0 हो गई है, आप देख सकते हो। फ्यूल रेंज 320 किलोमीटर दिखा रहा है फुल टैंक के बाद। एंड जैसा कि कोई ड्यूक 390 ओन कर रहा है तो 40-50 की स्पीड पर चलाएगा नहीं, मिनिमम 80-90 की स्पीड तो रहने वाली है, तो हम उसी पर चलाने वाले हैं, ज़्यादा टॉप एंड भी नहीं जाएंगे। ओ यार, मैं थ्रॉटल पूरा दे ही नहीं रहा हूँ, इतने जल्दी स्पीड गेन कर लेती है ना। 6-speed गियर बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पर अभी हम अराउंड इस स्पीड पर चलने देंगे। 85 की स्पीड पर कांस्टेंट चलाएंगे 30-35 किलोमीटर, एंड देखेंगे कितना माइलेज मिलता है। ट्रिप 1 मैंने 0 कर दी, दिख रहा होगा 600 मीटर्स आ चुके हैं, 1 किलोमीटर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 373 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 44 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बहुत ही लाइट वेट गाड़ी है, तो जैसे ही मैं थ्रॉटल देता हूँ, माइलेज टेस्ट करने के पहले मैं इसे चला रहा था, 120-130 कब चली जाती है बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। 5 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए, एंड इतने जल्दी किलोमीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं बिकॉज आप स्पीड देख सकते हो हमारी, 80-90 हम चला रहे हैं इसे। आप में से कोई 390 ओन करता है, भले ही वो BS4 हो या BS6, तो आपको कितना एक्चुअल में माइलेज मिला है एक बार हमें कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना। सो यहाँ पर अभी हमारे 6 किलोमीटर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। कार और ट्रक को रोकते हैं, हम लास्ट टाइम भी माइलेज टेस्ट करने आए थे, हमें लग रहा था पुलिस रोक लेगी, टाइम वेस्ट कर देगी, बट टू व्हीलर वालों को नहीं रोकती। ये देख सकते हो जो कंट्रोलिंग है ना, एकदम जो जनरेट करती है ना पावर। 6,000 rpm पे गियर चेंज कर रहे हैं, मेरा मन तो 8,000-9,000 rpm पे जाने का हो रहा है, बट ठीक है।
यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। ये पॉकेट रॉकेट चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड अगर आप ये बाइक ओन कर रहे हो ना, तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार माइलेज तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज ये चलाने का फील दे रही है ना। 10 किलोमीटर भी हम कब आ गए पता नहीं लग रहा है। 80-90 पे तो यार एकदम स्टेबल है गाड़ी, नो वाइब्रेशन, हीटिंग इशू भी फील नहीं हो रहा है। अभी सिटी में हम चलाते हैं ना तो पैरों की वाट लग जाती लेफ्ट साइड से, तो यार इसकी बहुत ज़्यादा ही हीट आती है। पीछे बाइक क्या है वो ऑफ रोडिंग वाला टायर लगा हुआ है, तो यार मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी फील हो रही है राइड करते टाइम। तो अगर आप एक ऐसी हायर सीसी बाइक ओन कर रहे हो, स्पेशली रेसिंग सेगमेंट वाली, तो आपके टायर भी रेसिंग सेगमेंट वाले होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हमने, ऑलमोस्ट हमारे 20 किलोमीटर भी कंप्लीट होने वाले हैं। एंड जैसे ही मैं हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ ना, आप देख सकते हो 90+100 भी जरा से मैं पहुँच जाती है। मैं आपको विदाउट मिरर बाइक चलाने में रिकमेंड नहीं करूँगा, बट विदाउट मिरर तो यार इसकी जो कंट्रोलिंग है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है रोल्ड में ये गाड़ी। 830 mm की सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर्स को सिटी रन में ऑब्वियसली दिक्कत आने वाली है पलटाने में, आगे पीछे करने में, तो वो एक चीज़ है। बट जैसा कि ये सिटी पर्पज़ के लिए तो बनाई नहीं गई है। लॉन्ग राइड्स, हाईवे क्रूज कर रहे हो ना आप, 80, 100, 120 बेस्ट है बेस्ट। आप 100-200 किलोमीटर इसको 80-90 की कॉन्स्टेंट स्पीड पे ले जाओगे 6 गियर में, तो कितना माइलेज देने वाली है आपको, क्या लगता है अभी रिजल्ट देखे बिना आप कॉमेंट में एक बार बताना। जितने भी मेरे दोस्तों के पास है 18-19, बिकॉज वो जिस हिसाब से चलाते हैं उनको 18-19 के ऊपर देती नहीं है, मैक्स टू मैक्स 20। 24 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। 30 किलोमीटर मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। कुछ भी कंटेंट चाहिए हो ना 390 के ऊपर, तो एक बार मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको सिटी रॉ पावर राइड चाहिए हो, या किस टाइप के भी कंटेंट चाहिए हो, जैसा कि आज माइलेज टेस्ट हमने बनाई लिया, मॉड्स पर वीडियो चाहिए हो, तो आप वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। 27 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, जैसा कि हमने आगे से टर्न लिया, जब स्पीड स्लो करके जल्दी से 90 पे जाना रहता है ना, क्या मज़ा आता है। तो नेकेड बाइक का तो यार अपना मज़ा है, रेसिंग सेगमेंट वाले लवर्स तो है, बट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का अपना फील है चलाने का। जब तक हम पेट्रोल पंप जाएंगे एग्जैक्ट 30 किलोमीटर के अराउंड हो ही जाएगा। 30.4 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं ना, फाइनली आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप पर। सब देखते हैं कितना माइलेज देती है गाड़ी। अभी आप ही ने डाला था ना, वही रिंग तक कर देना एग्जिट, धीरे धीरे आन देना। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम इसका माइलेज टेस्ट करके आ चुके हैं। जैसा कि फ्यूल आया है 1.11 लीटर 110 ml, और आपको मैं किलोमीटर्स कितने चला लिए हमने बता देता हूँ। ओडोमीटर पर चेक कर सकते हो, ट्रिप वन आपको दिखा देता हूँ। 30.4 पर हम आ गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो 30.4 से हम कैलकुलेट करेंगे। 30.4 डिवाइडेड बाय 1.11, सो गाइस 27.3 का माइलेज। यार सबसे पहले ओनर से पूछना चाहूँगा, भाई क्या एक्सपेक्ट करा था? ये अच्छा दिया है मतलब, एक्सपेक्टेशन क्या थी? यही थी एक्सपेक्टेशन, 27। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक इतनी स्पोर्टी नेचर वाली, इतनी एग्रेसिव बाइक ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज राइडिंग फील इतना नेक्स्ट लेवल है ना। और 27 का माइलेज तो यार काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने 23-24 ही एक्सपेक्ट करा था, बट 27 काफ़ी अच्छा दिया। वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कुछ भी इस पर कंटेंट चाहिए हो 390 के ऊपर, तो एक बार मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।